Hello students, today we are going to study platyhelminths. Last term पे अपन ने phylum Porifera, Coelenterata की studies करी थी. आज हम museum specimens, slides जो आपके BSc first year practicals के अंदर हैं उनको study करेंगे. And as usual, before starting the lab work, we will first discuss about the general features of the phylum platyhelminths. तो सबसे पहले जो है संघ platyhelminth के जो सामान्य लक्षण हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद म्यूजियम स्पेसिमेंस और रिलेटेड स्लाइड्स को स्टडी किया जाएगा. जो फाइलम platyhelminths हैं इसको सामान्यतया फ्लैटवर्म कहा जाता है. गिगेनबॉर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह शब्द सबसे पहले दिया क्योंकि यह जो क्रमी हैं वर्म्स हैं ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, यानी पृष्ठ तथा अधर तल से चपटे हैं, पृष्ठाधरी चपटे होते हैं, इस वजह से इनको फ्लैट वर्म कहा गया. और ग्रीक भाषा में भी प्लेटी शब्द जो है वो चपटे चपटे होने की वजह से, जैसे आप पहले चित्र में देख रहे हैं हथेली पर एक बिल्कुल पतला है, नीचे के चित्र में आप समुद्री एक प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं. अगर वर्गीकरण के आधार को हम चर्चा में लें तो आप देखेंगे कि सेलुलर लेवल से अब हम आगे बढ़ चुके हैं. सिलेंट्रेटा में आपने देखा था सेल टिश्यू ग्रेड था, और उसके बाद platyhelminth के अंदर टिश्यू ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. तो एक संगठन हम ऊपर चढ़ गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्पॉन्जेस थे सेलुलर ग्रेड में थे, इनको हम पैराजोआ में रखते हैं. उसके बाद ऊतक स्तर का संगठन आ गया सेलेंट्रेटा के अंदर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और अब हम आगे की तरफ और चल रहे हैं जिसमें ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है. तो जैसा मैंने कहा कि पॉरीफेरा को आप पैराजोआ, कोशिकाओं का ढीला ढाला संगठन, अ लूज एसोसिएशन ऑफ द सेल्स वॉज पैराजोआ. एंड ट्रू टिश्यूज जो बने, वास्तविक ऊतक जिनमें बने, उनको फिर हमने कहा मेटाजोआ या यू मेटाजोआ. तो जो हमारा सिलेंट्रेट संघ है वहाँ से हम यू मेटाजोआ को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कि टिश्यूज का फॉर्मेशन पहली बार देखा गया. इसके बाद हम आगे और टिश्यू ऑर्गन लेवल platyhelminths में स्टडी करते हैं. इसके अलावा जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है, द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री. तो सिमेट्री के अंदर आपने सिलेंट्रेट्स में पढ़ा था सभी सिलेंट्रेट्स अरीय सममित थे, दे वर रेडियली सिमेट्रिकल. बट नाउ From the planula larva of the cylindrates, we proceed towards the bilateral symmetry. द्विपार्श्व सममिति अब इन जंतुओं में देखी जाएगी. तो वर्गीकरण के आधार के हिसाब से अब हमारे पास जो है द्विपार्श्व सममित जीव आ जाते हैं. तो platyhelminth वो पहले जीव हैं जिनके अंदर वो पहला संघ है. इट्स अ फर्स्ट फाइलम टू हैव अ bilateral symmetry. हालांकि अभी भी यह अगुहीय ही हैं. तो अगुहीय जिसको हम कहते हैं ए सिलोमेट. तो तीन संघ अगुहीय हुए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा तथा platyhelminths. एक अन्य आधार जो इसके ऊपर लिया जाएगा वह है जब भ्रूण का निर्माण होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आपने कुछ स्टेजेस पढ़ी हैं जैसे लगातार विदलन क्लिवेज की वजह से मोरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, उसके बाद गैस्ट्रूला बनता है. गैस्ट्रूला में कोशिकाएं अंदर की तरफ मुड़ने लग जाती हैं जिसे इन्वेजिनेशन या अंतर्वलन कहते हैं. द सेल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, अ कैविटी इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज आर्केंटिरॉन. और इस गैस्ट्रूला प्रावस्था में एक छिद्र बनता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर. तो ब्लास्टोपोर भविष्य में क्या बनाने वाला है? अगर यह मुख बनाता है तो वो जंतु समूह प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं. प्रोटो यानी फर्स्ट, स्टोमा इज माउथ. और यदि ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है, गुदा का निर्माण होता है, तो उसे हम फिर कहेंगे ड्यूटेरोस्टोमिया.
तो जो हमारे प्लेटीहेलमिंथ्स, इसके बाद आप पढ़ेंगे नेमेटोडा या एस्के हेलमिंथ, एनेलिडा, फिर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब जो हैं प्रोटोस्टोम्स या प्रोटोस्टोमिया में रखे जाते हैं। इन सब के अंदर भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। इकाइनोडर्म से आगे जो है ड्यूटेरोस्टोम समूह आ जाएगा, जिसके अंदर ब्लास्टोपोर से गुदा यानी एनस का निर्माण होता है। तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर हमने क्या कहा, पहले मुख बनता है, ब्लास्टोपोर से मुख बनेगा, और ड्यूटेरोस्टोम जो सेकंड माउथ है, जो इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स रहेंगे। तो जो प्लेटीहेलमिंथ्स हैं त्रिजन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, अगुहीय, एसिलोमेट, वास्तविक देह गुहा, ट्रू सिलोम इज एब्सेंट, यानी इसके अंदर या तो मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा सेल्स भरे हुए रहते हैं, जैसा आप यहाँ कोशिका में पहले चित्र में देख रहे हैं। तो जो मध्य का भाग है वहाँ पर आपको पैरेनकाइमा या मेसेनकाइमा भरा हुआ दिख रहा है, कोई कैविटी नहीं है। तो प्लेटीहेलमिंथ एकमात्र ऐसा संघ है जो त्रिजन स्तरीय अगुहीय है। इट इज़ द फाइलम, ओनली फाइलम विच इज़ हैविंग ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन। अन्य लक्षण यदि हम देखें तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अधिकतर सदस्य जो हैं वे अंतःपरजीवी होते हैं। जैसे आप पहले चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर, ये टेप वॉर्म है, ये बहुत सारे लिवर फ्लूक्स, दूसरे फ्लूक्स हैं, इन ये सब परजीवी हैं, अंदर पाए जाते हैं। जबकि बाकी दो जो आप यहाँ देख रहे हैं, टर्बेलेरिया क्लास के सदस्य हैं ये, और यह मुक्त जीवी होते हैं। किंतु अधिकांश प्लेटीहेलमिंथ एंडोपैरासाइट्स हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जो मुक्त जीवी, स्वतंत्र जीवी होते हैं। अब यदि यह स्वतंत्र जीवी हैं तो इनकी सतह पर गमन के लिए सीलिया, पक्षमाभ पाए जाएंगे। जैसा आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन चित्रों में नीचे की तरफ देख रहे हैं, अधर तल पर सीलिया उपस्थित हैं। यह जो है सीलिया है जिनकी सहायता से यह गमन कर रहा है। यह जो मूवेबल जानवर आपको दिखाई दे रहा है तो यह प्लेनेरिया है, जिसे डुजेसिया या डुगेसिया कहा जाता है। अन्य जो अंतःपरजीवी प्लेटीहेलमिंथ होंगे उनके अंदर एपिडर्मिस एक कोशिका की बनी होगी, जैसे हम सिंशियल एपिडर्मिस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे, और कई बार अत्यधिक मोटी क्यूटिकल का निर्माण होता है जिसे हम टेग्यूमेंट कहते हैं, और इस स्थिति में कई बार एपिडर्मिस समाप्त भी हो जाती है। यह एक प्रकार का पैरासिटिक एडेप्टेशन है, पैरासिटिक अनुकूलन है, कि बहुत ही दृढ़ आवरण इसके शरीर पे होगा ताकि परपोषी की पाचक एंजाइम से यह बचा रह सके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का असर नहीं हो। साथ ही साथ अगर इंटरनल पैरासाइट है तो फिर आप देखेंगे इसके ऊपर कई तरह के आसंजी अंग, एडहेसिव स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, ताकि यह परपोषी की भित्ति के साथ, आहार नाल, इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा रह सके। जिसमें आप नोट कर रहे हैं कि इनके ऊपर जैसे बहुत सारे हुक्स हैं, ये हुक्स हैं, या चूषक है, जैसे आप यहाँ फेसियोला के अंदर देख रहे हैं या टीनिया के अंदर देख रहे हैं, ये चूषक हैं। ये भोजन चूसने का काम नहीं करेंगे, जो मैंने ये विशेष रूप से जो ये बताया है, यह केवल सतह से जुड़े रहने में मदद करते हैं। आहार नाल अपूर्ण तथा शाखित होती है या अनुपस्थित होती है। जैसे आप जो चित्र देख रहे हैं, पहले दो चित्र प्लेनेरिया के हैं, इसके अंदर शाखाएं आपको आहार नाल की दिखाई दे रही है, ये एक शाखा हो गई है, यहाँ एक शाखा है, यहाँ एक शाखा है, फेसियोला हिपेटिका है, ये दोनों प्लेनेरिया हैं। तो और अपूर्ण या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम कहते हैं जब इसमें गुदा अनुपस्थित होती है, एनस इज एब्सेंट। एक तरह से यह ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही हुआ, इसलिए कई किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि इसकी आहार नाल की गुहा को भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह दिया जाता है, जैसा आपने सिलेंट्रेट्स में पढ़ा। लेकिन आहार नाल थोड़ी अधिक विकसित है,
यह अपनी सतह से भोजन का अवशोषण करता है और कुछ स्थितियों में यह भोजन को चूसता भी है, जैसे ये फैसियोला। लेकिन प्लेनेरिया जो कि मुक्त जीवी है, ये प्लेनेरिया है, यह फ्री लिविंग है, और फ्री लिविंग होने की वजह से यह मांसाहारी हो जाता है और अपने मुख से यह फैरिंग्स को बाहर निकालता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसको एक भोजन दिखाई दिया, तो ये उसके ऊपर से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के अपनी फेरिंग्स को बाहर निकालता है और उस भोजन को ट्रैप करेगा, उसका शिकार करेगा। तो ये इस प्रकार से आप देखिए मुख, ये इसका मुंह है और ये इसकी फेरिंग्स है सामान्य स्थिति में। लेकिन जैसे भोजन के बारे में इसको पता पड़ता है, तो यह अपने फेरिंग्स को यहाँ से बाहर निकाल लेता है। देखिए एक एनिमेशन में अभी आपको दिखाई देगा, पहले वाले एनिमेशन में देखें, यह ढूंढ रहा है, जैसे इसको भोजन की गंध मिली, ये फेरिंग्स बाहर आ गई इसकी। और दूसरे में प्रयोगशाला के अंदर, इसमें हमने एक मीट का टुकड़ा थोड़ा सा डाला, तो इसने अपनी फेरिंग्स से उसको चूसने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार से यह भोजन को ग्रहण कर लेता है। और भोजन ग्रहण करने के लिए सबसे पहले यह केमिकल्स को सेंस करता है, यानी इसके अंदर रसायन संवेदी अंग होंगे, फिर फेरिंग्स बाहर निकल रही है, और अंततः भोजन को इसने अंतर्ग्रहित कर लिया। श्वसन तथा परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित है, कोई इसके सिस्टम नहीं पाया जाता। मुक्त जीवी होगा, यदि फ्री लिविंग है तो जनरल बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, और अगर अंतः परजीवी है तो वह एनएरोबिक होगा। सर्कुलेशन सेल टू सेल डिफ्यूज़न के ज़रिए होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट कोशिका मिलती है जो फ्लेम सेल कहलाती है। फ्लेम सेल के अंदर एंडोसीलिया होते हैं, सीलिया अंदर की तरफ होते हैं, जो कि इसके कोशिका द्रव से वस्तुओं को इस तरफ जो है निर्देशित करती है, ताकि इन नलिकाओं के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो अपशिष्टों का अवशोषण कर सके और फिर इनको बाहर निकाला जा सके। और ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स को हम कई बार प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो यहाँ से संग्रहित जो अपशिष्ट होगा, जो भी कलेक्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, उसे लेटरल कैनाल्स के अंदर भेज दिया जाता है, जो अंततः बाहर निकाल दी जाती हैं। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, पूरे जो फ्लेम सेल्स हैं पूरे शरीर में फैले हुए हैं चारों तरफ, और ये बीच में जो है मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, और अंत में यहाँ पर एक उत्सर्जित छिद्र एक्सक्रीटरी पोर उपस्थित है। तंत्रिका तंत्र पहली बार बना है, हालांकि नर्व सेल्स पहले सिलेंड्रेट में बन गए, लेकिन ऑर्गेनाइज अब हुए हैं एक सिस्टम के फॉर्म में। ऑल्दो इट इज़ वेरी सिंपल, सीढ़ी नुमा या लेडर लाइक है, और यह सिलेंड्रेट की तुलना में ज़्यादा विकसित माना जाएगा। और जैसे ही सिर का विकास हुआ, नेत्र मस्तिष्क बन गए, अंतःग्रहण से संबंधित इसकी क्रियाओं में वृद्धि हो गई, तो इसे हम कहते हैं हेड फॉर्मेशन या सिफिलाइजेशन। तो सिफिलाइजेशन की प्रक्रिया, शिरोभवन जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो आप प्रारंभिक रूप में कहाँ देखते हैं, प्लेटीहेलमिंट्स के अंदर, और हेड फॉर्मेशन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। संवेदी अंग जो है सेंसरी स्ट्रक्चर्स अल्प विकसित हैं, लेकिन जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं उसमें पाए जाएंगे। जैसे आप नेत्र देख रहे हैं प्लेनेरिया के अंदर, साथ ही साथ प्लेनेरिया के जो किनारों पर उभार हैं, यहाँ पर ये उठा हुआ जो हिस्सा है उसे ऑरिकल कहते हैं। यहाँ पर भी कई स्पर्श संवेदी मैकेनो रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से यह अपने भोजन की पहचान, अपने आवास के पास की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अधिकतर प्लेनेरिया हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, यानी कि उभयलिंगी हैं, दोनों ही जननांग मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स। जो जो पहला चित्र आप देख रहे हैं वह सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द टीनिया सोलियम, जो मैच्योर सेगमेंट है, परिपक्व खंड, उसके अंदर है, और दूसरा आप जो चित्र है फैसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक के अंदर, दोनों जननांग देख रहे हैं।
परिवर्धन जो है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मोस्टली आप जो स्टडी करते हैं उसके अंदर इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होगी। कई प्रकार के लार्वा इसमें पाए जाते हैं जो एक के बाद एक कई क्रम में आते हैं, तो उनका आपको अध्ययन करना है। रीजनरेशन की पावर प्लेनेरिया और मुक्तजीवी प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ट्रेम्बले ने ही इसका भी एक्सपेरिमेंट किया था, प्लेनेरिया को ऊपर से काट दिया तो दो सिर वाला प्लेनेरिया बन गया, या अगर आप इसका सिर, पूरा ब्रेन, आईज वाला पोर्शन हटा भी देते हैं तो कुछ समय के बाद नियोब्लास्ट नाम की कोशिकाओं से पूरा नया विकास हो जाता है। तो रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। अब इसको सामान्यतया हम तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। टर्बेलेरिया, जिसका सामान्य नाम एडीवर्म्स, इसके अधिकतर सदस्य जो हैं वो मुक्तजीवी फ्रीलिंग होते हैं, कुछ एक अंतःपरजीवी हैं। दूसरा जो है ट्रिमेटोडा, इसको हम फ्लूक्स कहते हैं, पत्ती नुमा आकार के होते हैं, छोटे होते हैं, अंतःपरजीवी हैं मुख्यतया। और तीसरी जो क्लास है वह है सेस्टोडा, जिसके अंदर हम रिबन के समान टेप वर्म्स को रखते हैं। ये सभी लक्षण आप थ्योरी क्लास में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हमारा जो उद्देश्य है म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स और स्लाइड्स की स्टडी का, जो भी हमारे फर्स्ट ईयर सिलेबस में है, तो जैसा पहली स्लाइड जो है वह है प्लेनेरिया या डुजेसिया, या कई बार इसे यू डुजेसिया भी कह दिया जाता है। छोटा जीव है जो कुछ मिलीमीटर लंबा होता है, होल माउंट यानी पूर्ण आरोपित, इसको अपन स्लाइड में कम पावर के माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अधिकतर जो अपन ने कमेंट्स अभी डिस्कस करे वो सब इसके अंदर हैं, आपको फाइल में इसी प्रकार से लिखना है। और जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप इस जो वीडियो है इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फाइल को कंप्लीट करेंगे या अपनी बुक की मदद लेंगे। दूसरा जो स्पेसिमेन है लिवर फ्लूक जिसका वैज्ञानिक नाम है फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका के जो मुख्य लक्षण हैं कि पत्ती नुमा आकार है इसका, दो चूषक होते हैं इसके अंदर, एक अग्र चूषक पाया जाता है, एक लेटरल या एसीटाबुलम होता है। अग्र चूषक की सहायता से तो यह भोजन ग्रहण करता है यानी इट विल सक फूड फ्रॉम द अपर वन, और जो दूसरा है जो यहाँ पर प्रेजेंट है एसीटाबुलम, एसीटाबुलम की मदद से यह केवल अपने परपोषी की, अपने होस्ट की, बाइल डक्ट, लिवर या अन्य भाग में यह उससे चिपका रहता है। ये हमारे लैब में जो आप स्पेसिमेंस देखते हैं ये इस प्रकार का प्लास्टिक एम्बेडेड स्पेसिमेन है। और जो कमेंट्स आपको लिखने हैं मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया कि इसका शरीर पत्ती नुमा होता है, ऊपर एक अग्र चूषक होगा, पार्श्व चूषक को एसीटाबुलम कहते हैं, आहार नाल जो है वो शाखित होगी और गुदा अनुपस्थित है, उत्सर्जन फ्लेम सेल्स के जरिए होगा, और ये आपको जो चित्र अपने फाइल के अंदर तैयार करना है। ये लक्षण भी अपने फाइल में लिख सकते हैं जो कमेंट्स लिखने हैं आपको, तो सामान्य प्रेक्षण, उसके बाद इसकी पहचान, वर्गीकरण और अंततः इससे संबंधित जो लक्षण है जो अभी अपन ने डिस्कस किए। फिर जो अच्छा ये वही प्लेटिहेलमिंथ्स के अंदर फैसियोला हिपेटिका का ही है फाइल चित्र। थर्ड हमें फैसियोला हिपेटिका की लार्वल स्टेजेस को स्टडी करना है। तो जो हमारे सिलेबस में लार्वल स्टेजेस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर एक लार्वल प्रावस्था से कई लार्वल प्रावस्थाएं बनती हैं, जिसको आप संक्षेप में याद रख सकते हैं कि सबसे पहले बनेगी मेरासीडियम, फिर इसके बाद बनेगी स्पोरोसिस्ट, फिर इसके बाद आएगा रीडिया, फिर इसके बाद आएगा सर्केरिया, और फिर इसके बाद रहेगा मेटा सर्केरिया। तो MSRCM कुछ इस तरह से आप नेमोनिक्स बना लें कि भाई इस क्रम में जो है यहाँ पर लार्वा की प्रावस्थाएं आएगी। तो मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया तथा मेटा सर्केरिया, जो आपको थ्योरी में डिटेल में पढ़नी है। तो जो सबसे पहली प्रावस्था है वो मेरासीडियम।
मिरासीडियम लार्वा आप देख रहे हैं पुनः शंकुकार है, और जो मल के साथ बाहर आ जाती है मुक्त रूप से पानी में तैरती रहती है। इसके ऊपर एपिडर्मिस की प्लेट्स होती हैं जिनकी विशिष्ट व्यवस्था पाई जाती है। पांच पंक्ति में यह प्लेट्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये पाई जाएगी। और इनमें एपिडर्मल प्लेट्स की संख्या निश्चित रहती है, जैसे पहले के अंदर 6 होगी, फिर 6 होगी, फिर यहाँ पर जो है 3 है, 2 है, 4, नीचे 2 है। इस प्रकार से इनका क्रम बड़ा विशिष्ट होता है। चारों तरफ सीलिया है ताकि यह मुक्त रूप से तैर सके, और तैरता हुआ अंततः यह किसी स्वच्छ जलीय शंख, घोंगे में, लिमनिया है, प्लेनॉर्बिस है, उनकी भित्ति में भेदन करता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे मिरासीडियम लार्वा हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। और जो कमेंट्स आपको लिखने हैं और फाइल में जो चित्र बनाना है वो ये रहेगा, जो कमेंट्स मैंने अभी आपको बताए वो आपको लिखने हैं। सेकंड स्टेज आ जाती है स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट तब बनता है जब यह घोंगे के, प्लेनॉर्बेस, लिमनिया या किसी भी स्वच्छ जलीय शंख के शरीर में चला जाता है। यह जाने के बाद सीलिया, इसके नेत्र, मस्तिष्क आदि चीज़ें तो विघटित हो जाती हैं, यह भोजन नहीं करता, और अंदर इसके जो विकास होगा उसमें रीडिया लार्वा आप देख रहे हैं। अब एक लार्वा से दो या तीन, कई सारे ऐसे रीडिया लार्वा बन जाते हैं, यानी एक लार्वा अलैंगिक रूप से दूसरे लार्वा बना रहा है, इसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। यह इस प्रावस्था की विशेषता है। और रीडिया के अंदर भी फिर इसी प्रकार से सर्केरिया का निर्माण होगा। तो ये जो संरचना है जो आपको फाइल में बनानी है, जो इसके कमेंट्स। इसके बाद तीसरी प्रावस्था आ जाती है रीडिया लार्वा। रीडिया लार्वा पतली लंबी है और इसके अंदर भी अगली लार्वल प्रावस्थाएं निर्मित होती है, जिनकी संख्या 5 से 7 या अधिक भी हो सकती है, जो निर्भर करता है भोजन की उपलब्धता पर कि कितना भोजन उपलब्ध है। कमेंट्स और डायग्राम जो आपको बनाने हैं, ये आप चित्र बनाए अपनी फाइल के अंदर रीडिया लार्वा का। इसमें जो विशिष्ट चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो गोल संरचनाएं हैं, ये जर्म बॉल्स हैं, इन्हीं के जरिए अगली प्रावस्था का निर्माण होगा, जैसे हमने कहा था बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। ये लार्वा, रीडिया लार्वा की जो फाइल के अंदर डायग्राम एंड कमेंट्स जो आपको करना है कंप्लीट। नेक्स्ट लार्वल स्टेज है सर्केरिया। अब ये पुनः बाहर आ जाता है और बाहर आकर मुक्त रूप से तैरने लगता है। इसकी पहचान अब आप अपने पूर्ववर्ती लार्वाओं से अलग कैसे पा सकते हैं कि इसके अंदर एक पूंछ उपस्थित है और आगे का भाग थोड़ा सा चपटा, पुनः दो चूषक युक्त है, और यह तैरता हुआ जो है घास आदि की पत्तियों तक पहुंच जाएगा, उनसे चिपक जाएगा, ताकि जब भेड़ या कोई जीव उन घास को खाए तो उसके अंदर वह मेटासर्केरिया प्रावस्था चली जाएगी। तो ये इसकी सर्केरिया प्रावस्था मुख्य पहचान इसके अंदर जो है पूंछ और चूषक की उपस्थिति है। एक अपूर्ण आहार नाल भी बन गई है, लेकिन अब यह बहुभ्रूणता नहीं दर्शाएगा। बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी इज शोन ओनली बाय 2 स्टेजेस, दैट इज स्पोरोसिस्ट एंड रीडिया। तो ये लार्वल प्रावस्थाएं आपको जो है फाइल में लिखनी है। अब हम आते हैं हमारे अगले स्पेसिमेन की तरफ, जो अपने लैब में है, टीनिया सोलियम, द कॉमन टेप वॉर्म, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। ये अपने लैब का स्पेसिमेन है, और आहार नाल के अंदर, आंत्र के अंदर यह परजीवी होता है, जो सामान्य प्रेक्षण आपको फाइल में लिखने हैं रिबन के समान है, इसलिए यह फीताकृमि के रूप में आसानी से पहचाना जा सकता है। और अब यह किस वर्ग में आएगा, सेस्टोडा के अंदर, जो जनरल नेम है टीनिया सोलियम का, टेपवॉर्म मानव के आंत्र का अंतः परजीवी है, और इसका मध्य परपोषी जो है वह होता है सुअर, इसीलिए टीनिया सोलियम को हम पोर्क टेपवॉर्म कहते हैं। एक इसी प्रकार का टेपवॉर्म होता है टीनिया सेजिनेटा, जो मवेशियों के अंदर मिलता है, गाय भैंसों के अंदर मिलता है, तो उसे बीफ टेपवॉर्म कहा जाता है। और इसका स्कोलेक्स पर चूषक,
चार वृत्ताकार चूषक होते हैं, बीच में कांटों की एक रिंग दो रिंग होती है जिसे रोस्टेलम कहा जाएगा, 4-5 मीटर के करीब ये रहेगा। ये जो आपको फाइल के अंदर इसको तैयार करना है, डायग्राम एंड कमेंट्स, ठीक। ये जो स्कॉलेक्स है, ये इसकी स्लाइड आप देखेंगे अपने लैब के अंदर, इस प्रकार की स्लाइड है। ये चित्र इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे का, यहाँ पर आप ये दो चूषक देख रहे हैं, दो पीछे की तरफ होंगे, टोटल इसमें चार चूषक होते हैं ये। और जो ये आगे की तरफ कंटिकाओं की इसके हुक्स हैं, दो रिंग्स में उपस्थित है जैसे आप देख रहे हैं, और अल्टरनेट है जो अभी कमेंट्स में भी लिखा हुआ है। या तो ये 14-14 की दो रिंग्स होती हैं या 16-16 की दो रिंग्स, यानी टोटल 28 और 32 हुक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से फाइल में आप इसका डायग्राम और जो कमेंट्स हैं वो लिखेंगे। ये देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि भाई दो कॉमन टेप वॉर्म्स हैं, एक है टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम, तो इसके स्कॉलेक्स जो अग्रभाग है उससे आसानी से पहचाना जा सकता है। कैसे पहचान सकते हैं कि जो टीनिया सोलियम है उसमें हुक्स की दो वलय उपस्थित है, देर आर टू रिंग्स ऑफ हुक्स इन टीनिया सोलियम बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ टीनिया सेजिनेटा, जबकि दोनों में चूषक उपस्थित है। हालांकि टीनिया सोलियम के चूषक पार्श्वीय तल पर होते हैं, लेटरली अरेंज्ड होते हैं, टीनिया सेजिनेटा के अंदर यह लगभग अग्रभाग में पाए जाते हैं। अब टीनिया सोलियम के जो देह खंड है जिनको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, तो प्रोग्लॉटिड्स के अंदर इमैच्योर जिसमें जननांग नहीं होते, मैच्योर जिसमें जननांग होते हैं, जननांग में भी पहले नर जननांग वाले खंड होंगे कुछ 100-150, उसके बाद जो हैं दोनों जननांग वाले होंगे, और अंत में जो है गर्भित देह खंड पाया जाता है जिसमें केवल गर्भाशय जिसके अंदर कई अंडे उपस्थित होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप में जब आप स्टडी करेंगे, यह है इसका परिपक्व देह खंड। परिपक्व मैच्योर देह खंड में आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही मिलेंगे। कमेंट्स आपको जो स्टडी करने हैं, लिखने हैं, ये इसका चित्र, और ये गर्भित देह खंड जो आपको लैब में दिखाई देगा, जैसा मैंने कहा ग्रेविड प्रोग्लॉटेड के अंदर ब्रांचेस ऑफ यूट्रस आर सीन एंड ऑल दीज ब्रांचेस आर फिल्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग्स, अंडों से भरी हुई गर्भाशय की शाखाएं इसकी मुख्य पहचान है। बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिखाई देगा चित्र, और आपको लक्षण ये फाइल में लिखने हैं ये इस प्रकार से। और ये आपके पूर्व साथियों की फाइल। इसके अलावा अपने को दो लार्वल प्रावस्थाएं इसमें देखने को मिलती है। जब यह गर्भित देह खंड के अंदर होता है, यानी गर्भाशय की शाखाओं में, यूट्राइन ब्रांचेस में होता है, तो वहाँ पर निषेचित अंडे में विदलन चालू हो जाता है, जायगोट डिवाइड्स, क्लीवेज के दौरान मोरूला प्रावस्था बनती है, मोरूला के बाद इसमें 6 हुक बनने शुरू हो जाते हैं, और चारों तरफ भित्तियाँ रहती हैं जो इसके डिटेल्स हैं आपको थ्योरी में स्टडी करने हैं। तो जो हुक वाली प्रावस्था है इसको हम हेक्साकैंथ कहते हैं, और इसके चारों तरफ जो भित्तियां हैं उस सम्मिलित रूप से फिर इसको ऑन्किस्फेयर या ऑन्किस्फोर कहा जाता है। तो ऑन्किस्फेयर जो है वह गर्भित देह खंड में है, गर्भित देह खंड निकाले जाते हैं आहार नाल से एपोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए, जो पीछे के कुछ टुकड़े हैं टेप वॉर्म के शरीर के पीछे के कुछ देह खंड जो मोस्टली ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं वो मल के साथ बाहर आ जाते हैं, उनको सूअर खा लेता है। सूअर की आहार नाल के अंदर हेक्साकैंथ, तो आहार नाल आंत्र से चिपकते हैं, पेनिट्रेशन ग्लैंड्स की मदद से यह जो है भीतर पहुंचता है, रक्त के जरिए फिर कंकाली पेशियों में जाता है, स्केलेटल मसल्स तक जाएगा, और स्केलेटल मसल्स में जाने के बाद यह फ्लूड एकत्रित करके, फ्लूड जमा करके फूलने लगता है। अब हम इसे नाम देते हैं ब्लैडर वर्म। तो पहली लार्वल स्टेज जो आपने पढ़ी, ऑन्किस्फेयर या ऑन्कोस्फेयर, तथा जो इससे पहले आपने देखा ये ऑन्किस्फेयर या हेक्साकैंथ, और सेकंड स्टेज जो आ रही है वह है ब्लैडर वर्म, या इसी को सिस्टी सर्कस कहते हैं,
टीनिया सोलियम में सिस्टिसर्कस लार्वा को जो है सिस्टिसर्कस सेलुलोजी भी कहा जाता है। जैसा आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचनाएं बन गई। लैब में स्लाइड में आपको यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा और फिर यह पेशी में विकसित होकर इनएक्टिव पड़ा रहता है। अब अगर व्यक्ति कोई ह्यूमन इस तरह के मीट को खाए जिसके अंदर सिस्टिसर्कस लार्वा हो तो उसमें संक्रमण चालू हो जाता है। तो अधपका या कच्चा मीट जो सूअर का खाया जा रहा है उसके अंदर सिस्टिसर्कस लार्वा हो सकते हैं। ऐसे मीट को हम मीजली पोर्क कहते हैं जो संक्रमण वापस से किसी मानव में शुरू कर देता है। तो ये कमेंट्स आपको लिखने हैं। और ये मीजली पोर्क आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस मीट पीस के अंदर ये जो गोल गोल वाई संरचनाएं दिख रही हैं यह सिस्टिसर्कस सेलुलोजी यानी ब्लैडर वर्म या सिस्टिसर्कस लार्वा है। और ये सुअर का मांस जिसमें ऐसे लार्वा उपस्थित हैं उसे मीजली पोर्क कहा जाता है। तो आज आपने प्लेटीहेलमेंट संघ, फाइलम प्लेटीहेलमेंट्स के जनरल कैरेक्टर्स और इससे रिलेटेड जो म्यूजियम स्पेसिमेंट्स हैं, स्लाइड्स हैं जो अपने सिलेबस में हैं, उनका अध्ययन किया। इनको ध्यान से आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो वर्क था उसको फाइल में लिखना है। सो थैंक यू।